की और पिंकी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतने नामचीन और इतने मशरूफ किस्म के आर्टिस्ट हैं, स्पेशली नवरात्रि के फील्ड में। मेरे ख्याल से अभी कल ही पहुँचे हैं US से, बहुत बड़ा शो था इनका वहाँ पर। तो हम अपने आप को इस पर्टिकुलर शो के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए प्रताप सरनायक जी और पूर्वे सरनायक जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह के उनके कार्य हैं, किस तरह का उनका यहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया है मीरा भाईंदर के लिए। और उनके ये इच्छा थी कि हम एक नवरात्र महोत्सव को यहाँ पर थोड़ा एक आज तक जैसा होता आया उससे बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यहाँ के नागरिकों के लिए एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते थे। तो उसमें हमने इनसे बात करी, पिंकी जी से, दे वर वेरी मैग्नानिमस इनफ टू टेक पार्ट इन दिस। एंड अगेन वन सेकेंड आई थैंक देम ऑन बिहाफ ऑफ प्रताप जी एंड उर्वेश जी एंड GM फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस, फॉर बींग द लीड सिंगर फॉर दिस पर्टिकुलर शो। बस यही है, आगे आप लोगों का साथ ये चाहिए कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के लोग जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, और 10 दिन जो है अम्बे माता की याद में और अम्बे माता के जयकारे के साथ यहाँ खूब मजा करें, खूब गरबे का आनंद लें। बस इतने कहना चाहूँगा, धन्यवाद। जब हम लोगों को ये GM की तरफ से आया था, मीरा रोड से ऐसे हम लोगों को काफ़ी सालों से ऑफर आती थी कि आप मीरा रोड में आएँ, गरबा करें, लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। बट जब GM तरफ से हम लोगों को एक इनवाइट आया कि इस तरह से है, तो हमने बोला डेफिनेटली, क्योंकि हम इन लोगों को बरसों से जानते हैं। तो विकी को भी मैं बहुत बरसों से जानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। तो उसने बोला हम लोग प्लान कर रहे हैं मीरा रोड में, तो ऐसे प्लान बात सही है, पर अगर इस तरह से, मतलब वो इनिशियली जो बातें होती है उसमें एक ये भी कॉज था कि हम लोग भी हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो ऑडियंस के लिए सोचते हैं। तो जैसे ये फ्री में जो डांडिया हो रहा है, लास्ट ईयर भी आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फ्री में डांडिया किया था, तो इस साल भी वही चीज़ लोगों के लिए। अगर इन लोगों ने, मतलब GM थॉट बहुत अच्छा था जो हमको अच्छा लगा कि इन लोगों ने भी फ्री में करना है, तो हम लोगों ने रेडीली हाँ बोल दिया था। क्योंकि आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है, तो वो लोग ये नहीं सोच रहे और पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल थॉट है। सो हम लोगों ने ज्वाइन किया इन लोगों इस चीज़, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें भी अच्छा लगा। और जिस तरह से सब तैयारी हो रही है, जिस तरह से सब चीज़ें हो रही है, बहुत प्रोफेशनल है, कमर्शियल है, और डिसीजन हमारा सही है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मतलब ये नवरात्रि है तो अब आओ झूमते, मतलब डांस करते हैं, और प्रीति पिंकी के साथ गाओ, मतलब यू नो इट इज अ वेरी म्यूजिकल फेज। तो इस जब बहुत पहले ना गरबे जब खेले जाते थे, बहुत पहले तब गावा, हमें गरबा गावा चाहिए छे, गरबे नाचने जाते हैं ऐसा नहीं बोलते थे। तो ये थॉट इज फ्रॉम दैट एंशिएंट थिंग कि आओ झूमो गाओ, आओ झूमो गाओ, एक टैगलाइन रखी हुई है। सो ये टाइटल का मीनिंग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आओ झूमो गाओ, दैट मींस दिस ऑल यू नो फंक्शन इज अबाउट झूमना नाचना नाचना गाना। क्योंकि बहुत सारे गुजराती लोग हैं ना, वो सब फेमस गरबे ना गा गा के खेलते हैं। So that is a whole thought about it, कि public भी गा गा के खेलती है। Okay, so for media, as I would like to address, मैं address करना चाहूँगी कि आप लोग एक एक करके सवाल कर सकते हैं, and then we go on, and राजेश जी, प्रीति जी, पिंकी जी, ये आपके सवालों का जवाब देंगे, and then after that we will be moving ahead. So yes, media can go on. Thank you so much. फिलहाल हम लोग और किसी के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि भाई यहाँ के लिए, क्योंकि मैं, मेरे ख्याल से मेरी बेटी जो है बहुत शौकीन है गरबा की, तो शी हैज़ बीन गोइंग टू दैट शो फॉर क्वाइट लॉन्ग। वो इनफैक्ट US PhD कर रही थी, तो नवरात्रि के टाइम यहाँ आती थी हर साल। वो देवर बना था, तो उन्होंने उसका सजेशन था, प्लस जैसे इन्होंने कहा विक्की जो हमारे साथ में है, इज़ ऑल्सो माई को डायरेक्टर, वो बहुत पुराने मित्र हैं इनके, ये कहा था हमारे दिमाग में पहले से ये था कि हमको प्रीति या पिंकी जी से बात करनी है, क्योंकि यहाँ, क्योंकि इनका एक अपना नाम है, इनका एक अपना ब्रांड है,
जो किसी को भी नाम लो, किसी को बताओ, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी भीड़ लगी हुई आप सोच नहीं सकते। तकरीबन 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ, तब ये हाल है। आप सोचिएगा यहाँ पर क्या भीड़ होगी। हम तो अभी बात ये कर रहे थे कि अपन इतनी भीड़ मैनेज कैसे करेंगे, हम तो ये अभी फिलहाल ये सोच रहे थे। तो एक तरह से क्या कभी कभी कुछ सामंजस्य ऐसा बैठता है, एक मतलब गण मिल जाते हैं, जो भी है जैसा भी है, ऊपर वाले की कुदरत या उसका करिश्मा था कि हम मिले, बातचीत हुई, एक साथ दोनों जुड़ के हो गया काम। जी देखिए, मैं समझती हूँ माता रानी ने पता नहीं हमारे लिए एक ट्रैवल बोर्ड प्लान करके रखा है। जैसे सीरियसली, मैं पहले सबसे पहले हम लोग जब मुंबई आए तब हमने बोगी बोगी डांडिया किया था ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट, वहाँ से शुरू हुए बोरीवली गए, बोरीवली से फिर घाटकोपर गए, घाटकोपर से फिर अंधेरी वेस्ट गए, अंधेरी वेस्ट के बाद हम लोग फिर आए बोरीवली, और बोरीवली से अब मीरा रोड। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, और हर लोगों से हमको जो प्यार मिल रहा है, तो मतलब माता रानी के आशीर्वाद के सिवा ये कुछ है और नहीं, ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि हर तरह के ऑडियंस को हम लोग केटर कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पर भी देखो ऐसा है, गरबा सिर्फ गुजरातियों का नहीं रह गया। ये शहर ऐसा है जहाँ पर सब आकर के एक, इट इज़ अ ब्यूटिफुल अमलगमेशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कास्ट, ऑल द क्रीड, एवरीथिंग इज हियर। इतना ब्यूटिफुली मिला हुआ है इस शहर में, तो उसमें कोई परेशानी की बात, गुजराती है तो ही आएगा ऐसा नहीं रहा। मैं हरियाणा से हूँ, मेरी जिंदगी निकल के गरबा खेलते हुए, इस उम्र में भी खेलता हूँ, क्या 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 उसमें क्या बताऊँ, नई जनरेशन की तो बात ही अलग है। मीरा रोड का तो प्लान यही था, सी जैसे मैंने कहा, प्रताप जी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, जैसे कोविड के वक्त भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए थे, हमको साथ में लिया था उन्होंने, तो हमने ये सोचा कि भाई वाई नॉट, और उनका ये थॉट था कि भाई राजेश जी जयंती भाई जो हमारे ब्रांड ओनर हैं, कि भाई अपने कुछ करते हैं मिल के यहाँ, तो हमारे दिमाग में यह कि नवरात्रि आ रही, नवरात्रि करते हैं, अच्छे स्केल पर करते हैं। लोकबाग थोड़ा बम्बई से बाहर माना जाता है, लेकिन पार्ट तो बम्बई का ही है, मतलब वाई नॉट, एक एक बात से दूसरी बात जुड़ते जुड़ते हो गया। इसमें तकरीब देखो 10,000 से 12,000 का तो क्राउड मिनिमम आ सकता है, तो खाली यही है अब उसको मैनेज करना जो है वो कैसे करें, दैट इज द मिनिमम, बट आई थिंक अराउंड 18,000 to 20,000 पीपल कैन ईजिली डांस, कोई इशू नहीं है। पूरा अरेंजमेंट है कंप्लीट, फायर टेंडर से लेकर के एम्बुलेंस, हर चीज़ यहाँ पर रहने वाली है, पीछे हमने पूरी जगह बना रखी है उसके लिए, सिक्योरिटी रहेगी और डॉक्टर ऑन कॉल रहेगा, तो हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज़ का एक कमर्शियल एंगल नहीं है, बट सीरियसली बताऊँ तो हर चीज़ इतनी प्रॉपर करी हुई है, परफेक्ट करी हुई है, कि मैं भी ये बोल सकती हूँ कि हम लोग अपने 22 साल से मुंबई में डांडिया कर रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम परफेक्शन जो हो रहा है ना, जो दिख रहा है हम लोगों को, वो पहली बार दिख रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट है। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ कुछ कुछ चीज़ों पे बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो, बट उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। पास एंट्री का कुछ एक साइट बना रखी है, उस पर आपको रजिस्टर करना है और आपको पास कलेक्ट करना है, ऐसा है। कुछ फ्री सर्विस है, कोई एंट्री फीस नहीं है, एंट्री फीस नहीं है, देयर इज नो एंट्री फी। जी पहले तैयारियां हमारी तो पिछले 4-5 महीने से शुरू हो गई है, और तैयारी में एक चीज़ नहीं होती, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग पूरा शो प्लान करते हैं, गानों से लेके, गानों के सिलेक्शन से लेके, रिदम से लेके, कॉस्ट्यूम लेके,
लुक से लेके, मतलब एक पूरा एंटायर पैकेज करते हैं हम लोग कि जो अगले को सुनने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और मस्ती में नाचने में भी अच्छा लगे। तो आप समझ रहे हैं, आओ झूमो नाच गाओ। मैम तो मीरा रोड वासियों के लिए कुछ गाना तैयार किया आप लोगों ने? अरे मीरा रोड के लिए तो पूरा नया लिस्ट तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, और जो हर समय हम लोग हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस साल भी हमने काफ़ी प्लान्स किए हुए हैं नए के। इस बार हम लोग ने ना थोड़ा फ्यूजन किया हुआ है गरबा में, हाँ। तो वो पिंकी ज़्यादा उस पर एक तो एक टिपिकल देसी वाली रिदम सेट की है जिसमें एकदम टिपिकल देसी होगा और एक फ्यूजन होगा, दोनों को एकदम ब्लेंड करके एक अलग रिदम क्रिएट की है। मैम नवरात्रि महोत्सव में इधर नवरात्रि महोत्सव में संगीत नृत्य इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं पारंपरिक, तो और किस तरह के कार्यक्रम हैं कुछ? नवरात्रि में यही कार्यक्रम होता है, माता रानी का एक तो त्यौहार है ये, हम लोग उस पूरी शिद्दत से वही मनाते हैं। हम लोगों के लिए अगर आप हमारे डांडिया में जब भी आए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हम लोग फिल्मी गाने नहीं गाते, हम लोगों सारा ट्रेडिशनल गाते हैं, फोक गाते हैं, माता रानी के रिलेटेड गाते हैं, कृष्ण भगवान के गाते हैं, और रिदम जो होती है वो हम आज के एज की डालते कि जिससे आज की ट्रेंड भी डांस करे और जो हम लोगों के सीनियर सिटीजन है वो भी डांस करे, इंजॉय करे सुन के। तो मतलब ये एक मिला जुला संगम करते हैं कि जिसमें हर इंसान बच्चे से लेके बूढ़े तक इंजॉय कर पाए। और जो बहुत पुराने गरबे हैं जैसे 200 साल पुराने गरबे वो भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को पता नहीं है ये जो हम आज की रिदम में सेट करके पेश करने वाले हैं। एटलीस्ट उनको ये फ्लेवर पता चले कि हमारे में कहाँ से आया ये संगीत, कहाँ पे और कौन से लोग नाच रहे हैं आजकल। जी जी हनुमान चालीसा 2:20 में 15 मिनट की चौपाई। हाँ इस बार कुछ और है नया तो वो सरप्राइज ही रहेगा, आप लोग को सबको आना पड़ेगा। नहीं जैसे मैंने जैसे पहले हमने कहा था कि भाई प्रताप जी से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और गाए बगाए किसी न किसी एक सोसाइटी कुछ एक अच्छा काम करना रहता कुछ रहता है तो हम जुड़ते रहते हैं, और वही हिसाब से वही थॉट चला था तो हमारी कुछ मुलाकात हुई थी, कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तब ये बात चली थी ऐसा कुछ करे कि ये तो क्या दर्द एक बार कर दिया, होर्डिंग कर दिया या कुछ कर दिया, एक बार में चला जाता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है और ऐसे ब्रांड जुड़ने से प्रीति जी और पिंकी जी जुड़ने से ये क्या 10 दिन का ये 10 दिन का माहौल जो है अगले साल भर चलेगा, मीरा रोड भाईंदर वाले याद रखेंगे उनको इस तरह का शो। एक्चुअली मीरा रोड में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हाँ। ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि क्या आजू बाजू एक भी नवरात्रि नहीं है, जो हो रही थी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गई है, कि बोल रहे हैं कि नहीं प्रीति पिंकी आ रहे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ लव हियर। एंड क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे तो हमको इतना नहीं पता थी, पर जीएम की तरफ से प्रताप जी की तरफ से हुआ था कि भाई चलो करते मिलके, तो वी टुक दिस स्टेप एंड नाउ वी आर हैप्पी कि यस वी आर गोइंग टू गेट लव फ्रॉम पीपल। 10 बजे तक जो गवर्नमेंट बोलेगी वही टाइम होगा, गवर्नमेंट बोले 4 बजे तक करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपके मुंह में की शक्कर जरूर हो जाना चाहिए, बता लोग भी एंजॉय करें। जी अब वो जो हस्तियाँ आएंगी तब देखेंगे कैसा है क्या है क्या नहीं है, बॉलीवुड से भी आएंगे, पॉलिटिक्स से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे। प्रताप जी आप जानती हो भी अच्छे नामचीन पॉलिटिशियन हैं, तो सबका बड़े बड़े सबका आना तय है, कब आएंगे कैसे आएंगे वो हमें भी नहीं पता, लेकिन आएंगे सब, जब आएंगे तब आएंगे, बिकॉज सी यहाँ के स्टार एक ही हैं, यही है बस, बाकी जो आएंगे वो खाली इनको देखने आ रहे हैं, ये इनको किसी से लेना देना नहीं। माइक ले ले। सारे लोगों को बोलूंगी कि जल्दी से जल्दी अपना पास ले ले और आए, क्योंकि क्या है जिस तरह से पासेस जा रहे हैं तो ये ना हो कि आपको पासेस ना मिले, तो प्लीज जल्दी आए और इंजॉय करें। एक ये फेस्टिवल है
मैं कहीं से कह सकती हूँ सही माने में कि जहाँ पे माता की भक्ति भी होने वाली है, नाच भी होने वाला, गाना भी होने वाला है और खूब मजे आने वाली है। तो आप सब प्लीज़ आइए और साथ में मिलके नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू।